कैसे हैं आप लोग? सो हे गाइज, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग? तो आज की वीडियो में हम रक्षाबंधन स्टेटस वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो आप भी इस तरह का रक्षाबंधन स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, अपना पर्सनल स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो एंड तक देखना होगा इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए। लेकिन उससे पहले गाइज, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइज, आपको वीडियो को लाइक कर देना है इसके लिए। एंड यदि गाइज आपके मोबाइल फ़ोन में जो लेटेस्ट का इनमास्टर वर्जन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। सो गाइज, यार आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में काइन मास्टर को ओपन कर, आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पर प्लस पर आपको टैप कर देना है न्यू प्रोजेक्ट एंड 9x16 रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है गाइज। और एडवांस पर टैप करके गाइज आपको फोटो डिस्प्ले मोड फिल कर देना है और यहाँ से गाइज आपको 2 सेकंड आपको ड्यूरेशन कर लेना एंड क्रिएट पे वाले बटन पे आपको टैप कर देना गाइज। यहाँ पर टैप करके गाइज आपको अपने फोटो जिनसे भी आप वीडियो क्रिएट करने वाले हैं वो ऐड कर लेने हैं गाइज। तो यहाँ से मैंने फोटोज ऐड कर लिए हैं, लगभग 8-10 फोटो मैंने ऐड किए हैं। इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर एंड गाइज आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले इमेज को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाले इमेज को, आपको यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स में जाना है नीचे स्क्रॉल करके, और यहाँ पर जो रोटेशन वाला जो आपको क्लिप ग्राफिक्स है उस पर टैप करना है। यदि यह आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है तो आपको इसे ऐड कर लेना है गाइज। यह मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप इसे अपने काइन मास्टर में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद गाइज इसमें कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लें एंड यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया है एंड नंबर वाइज सेलेक्ट किया है मैंने सभी में, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला एंड सेकंड में सेकंड, इसी तरह से मैंने सभी में ऐड कर दिया गाइज। तो ये लास्ट वाले में ऐड कर देता हूँ एंड ये गाइज सभी में हो चुका है, आप देख सकते हैं। सभी में ऐड होने के बाद गाइज आपको फर्स्ट में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद कुछ हमारा इस वीडियो इस तरह दिखाई देगा एंड इसके बाद गाइज आपको फर्स्ट वाला फिर से सेलेक्ट करना है और जो विग्नेट वाला ऑप्शन है उसको इनेबल कर देना है। सभी इमेजेस में आपको जो विग्नेट वाला ऑप्शन है उसको इनेबल करना है। इतना करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर फर्स्ट में आ जाना है एंड इसके बाद गाइज आपको करना क्या है कि लेयर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टैप करना है आपको। इसके बाद गाइज आपको इस पर इफेक्ट वाले बटन पर टैप करना है और यहाँ से गाइज आपको जो लाइनर मास्क वाला इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है गाइज। यहाँ कैसे ऐड करना है यह मैं पुराने वीडियो में बता चुका, आप इस स्टोर से ऐड कर सकते हैं। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देना गाइज एंड इसको मिड में नीचे की ओर यहाँ पर एडजस्ट कर देना, आपको बिल्कुल मिड में एडजस्ट करना है इसका साइज थोड़ा बड़ा करके बिल्कुल अच्छे से। एंड इसके बाद सेटिंग वाले आइकन पर टैप करना है और यहाँ से इसका फीदर है वो 50 के आसपास कर देना गाइज। तो यहाँ पर मैं यहाँ इतना कर दिया है मैंने और इसका जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक और यहाँ 51 किया है लगभग। एंड गाइज जो इसका लेयर है लाइनर मास्क वाला इफेक्ट है उसको मैं वीडियो के लास्ट तक कर देना है आपको। तो यहाँ पर मैंने लास्ट तक कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको फर्स्ट में आ जाना है बिल्कुल एंड फर्स्ट में आकर गाइज आपको करना क्या है कि लेयर वाले ऑप्शन पर फिर से आपको टैप कर देना है। यहाँ पर आपको टैप करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर टैप करना है मीडिया पर। मीडिया पर जाने के बाद गाइज आपको इससे यहाँ वाला टेम्पलेट वीडियो ऐड कर लेना है, जो लिरिक्स हैं सॉन्ग की वो ऐड कर लेनी है आपको। यहाँ से देखिए मैंने ऐड कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद इसका डाउनलोड लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसको देख सकते हैं आप। मैंने मिड में एडजस्ट किया और नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर गाइज आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आपको इसको स्क्रीन कर देना है। देखिए यह बिल्कुल इसमें मैच हो गया है और इसको साइज आप चाहें तो थोड़ा एडजस्ट करके बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा वीडियो बना है एंड इसके बाद गाइज आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है एंड गाइज आपको लेयर पर टैप करके आपको फिर से मीडिया पर जाना है और यहाँ से गाइज यहाँ वाला जो हर्ट वाला टेम्पलेट वीडियो है वो ऐड कर लेना गाइज आपको। इसको भी सेलेक्ट करके रखना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे आप जैसे ही, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको भी आपको स्क्रीन कर देना है गाइज। स्क्रीन करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आप इसको नीचे एडजस्ट करना है, इसके बगल में यहाँ पर साइड में आपको एडजस्ट कर देना गाइज, साइज आपको एडजस्ट करके एंड यहाँ एडजस्ट यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पर कर दिया है मैंने इसको। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर लेयर पर फिर से टैप कर देना है। लेयर पर टैप करके गाइज आपको फिर से मीडिया में जाना और यहाँ से गाइज आपको यह वाला जो स्नो ड्रॉप वाला जो टेम्पलेट वीडियो है उसको आपको ऐड कर लेना गाइज। इसको ऐड इसको इस तरह से टर्न करना है और यहाँ पर कोने में एडजस्ट करके इसको तो इस तरह से खींच कर आपको बड़ा कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके इसको भी ब्लेंडिंग पर जाकर स्क्रीन कर देना गाइज एंड इसको स्क्रीन करने के बाद देख सकते हैं गाइज हमारा स्टेटस वीडियो इस तरह से क्रिएट हो रहा है। एंड इसके बाद गाइज आपको फिर से लेयर पर टाइप करना है, यहाँ टेक्स्ट में जाकर गाइज आपको यहाँ पर हैप्पी रक्षाबंधन टाइप कर देना है।
तो यहाँ से देखिए मैं फिर रक्षाबंधन टाइप कर देता हूँ, एंड यहाँ पर रक्षाबंधन, तो यहाँ से देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर हैप्पी रक्षाबंधन टाइप कर दिया और ओके पर टैप कर देना है। इसके बाद गाइज आपको इसको नीचे यहाँ पर एडजस्ट करना है जो लिरिक्स है उसके जस्ट नीचे, एंड इसके बाद गाइज आपको इसका फॉन्ट आपको अपने मनपसंद से जो भी आपको पसंद हो फॉन्ट वह आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने यह फॉन्ट ऐड कर दिया है, एंड इसका जो लेयर है उसको फिर से सेलेक्ट करना है, और इसका जो नीचे स्क्रॉल करने या मेन कलर है उसको मैंने ब्लैक कर दिया है, एंड नीचे स्क्रॉल करके जो आउटलाइन कलर है उसको वाइट कर लेना है आपको, इसको मैंने वाइट कर दिया है। देखिए आप यहाँ पर मैंने कलर चेंज कर दिया, एंड इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं बैक आ चुका हूँ। इसके बाद गाइज आपको यहाँ से ग्लो कर देना है इसको वाइट, इसमें वाइट कलर कर देना है। तो यहाँ से देखिए जैसे मैंने वाइट कलर कर दिया है गाइज, और यहाँ से भी मैं बैक आ चुका हूँ, एंड इसके बाद गाइज जो इसका लेयर है उसको वीडियो के लास्ट तक कर देना है टेक्स्ट वाले लेयर को। तो यहाँ से देखिए मैंने लास्ट तक कर दिया है। इसके बाद गाइज आपको फर्स्ट में आ जाना है वीडियो के, और आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो इस तरह से बनकर क्रिएट हो चुका है। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एंड गाइज आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। तो यहाँ पर कॉर्नर में आप टैप करके इसको सेव कर लेना, जैसे भी रिजोल्यूशन में आप सेव करना चाहते हैं, तो इस तरह से आपका वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, एंड इसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हैं गाइज़।